नमस्कार दोस्तों, आज हम आए महुआ कस्बे में, जो दौसा जिले में महुआ कस्बा है, उसमें एक लाइब्रेरी के नाम से संस्था चलाई महुआ क्षेत्र के लोगों ने, प्रयास एक कदम बदलाव की ओर। तो आज हम इस पर चर्चा करते हैं। और महुआ कस्बे में प्रयास संस्था जो एक कदम बदलाव की ओर शिक्षा के क्षेत्र में महुआ क्षेत्र के लोगों ने शुरू की है, शायद इसको 2 साल हो गए हैं शुरू किए हुए। महुआ में जो बड़ौदा बैंक है बिल्डिंग में बेसमेंट में जिसको चलाया जा रहा है, यहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल के लिए ये स्पेस रखा हुआ है। इधर चलते हैं, यहाँ पे ऑफिस है, अंदर चलते हैं। इसमें ऑफिस बना हुआ है, जो गेस्ट हैं और जो भी संस्था से रिलेटेड मेंबर हैं उनका सिटिंग के लिए एक रिसेप्शन, एज ए रिसेप्शन काफी अच्छा सजावट किया हुआ है यहाँ पर लोगों ने। और ये कोई सरकारी संस्था नहीं है, ना ही कोई लोगों भामाशाहों के द्वारा बड़ा एक तरफा चंदा देने से बनी है, ना ये केवल समाज के आम आदमी हैं उन्होंने ये संस्था शुरू की है। उसमें ये हम आपको दिखा रहे हैं, राजन जी हैं जो इस टाइम में जो प्रयास एक संस्था है शिक्षा के क्षेत्र में एक कदम बदलाव की ओर। राजन जी को इस समय महुआ क्षेत्र के लोगों ने सर्वसम्मति से इस संस्था का अध्यक्ष मनोनीत कर रखा है। तो हम राजन जी से मुलाकात करते हैं। राजन जी से अन्य जो एरिया हैं उसमें भी ये संस्था शुरू हो इसके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। राजन जी नमस्कार। मोस्ट वेलकम, आप सभी का स्वागत। हमारी सूर्य विकास टीम विकास समिति की तरफ से आए हैं हम यहाँ, और हम भी कुछ हमारे क्षेत्र में ऐसा शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव करना चाहते हैं, आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, प्रेरणा लेने चाहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से या ऑफलाइन लोगों के द्वारा आपके क्षेत्र में, महुआ क्षेत्र में, मंडावर क्षेत्र में हमने सुना कि लोगों ने जो देहाती स्तर के हैं, एक आम आदमियों ने मिलजुल करके ये बड़ी संस्था का निर्माण किया है। और यहाँ पर लगभग 600 स्टूडेंट्स एक दिन में मुफ्त निःशुल्क अध्ययन कर रहे हैं संस्था में, एक लाइब्रेरी चलाई जा रही है इनके द्वारा। तो राजन जी हम आपसे कुछ संस्था के बारे में पूछना चाहते हैं, बैठिए राजन जी। सबसे पहले स्वागत है सूर्य के लोगों का गोवा के इस संस्था में। प्रयास संस्था शिक्षा के क्षेत्र में एक कदम बदलाव की और आपने जो नाम दिया इसको, इस संस्था का नाम प्रयास आपने किस उद्देश्य से रखा है और ये संस्था किस उद्देश्य से आपने क्रिएट की है, मतलब ये बड़ा सेटअप किया है, कहाँ से आपको इस तरह की प्रेरणा मिली, तो बताएं राजन जी। जी बिल्कुल, प्रयास एक ऐसा शब्द है, जब संस्था के नामकरण की बात आई तो सदस्यों द्वारा विभिन्न नाम सुझाए गए, परंतु सभी का मानना था कि प्रयास करने वालों को कभी हार नहीं होती है और प्रयास जो होते हैं वो रंग लाते हैं। तो उसी के आधार पर, और हम कुछ नहीं कर सकते केवल प्रयास कर सकते हैं, तो हमने इस संस्था का नाम प्रयास रखा। और इसके पीछे भावना ये थी कि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे और प्रयासों को सफल बनाने का। जी, वर्तमान में जो प्रयास संस्था है शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कर रही है, कुछ हमें डिटेल में बताएं हमारी टीम को, ताकि हम भी हमारे क्षेत्र में जो प्रयास संस्था है उसके एक्टिविटीज हैं उनको हम भी फॉलो कर सकें और लोगों को मोटिवेट कर सकें प्रयास संस्था से। तो आप बताएं राजन जी इस बारे में। जी ओम प्रकाश जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ सालों में शिक्षा का जो है वो पैटर्न पूरी तरह से चेंज हुआ है। यहाँ पर हमारे समय में शिक्षा में तकनीक का इतना समावेश नहीं था, जब हम और आप थे तो केवल स्कूली शिक्षा थी, तो उसके पास किताबें थी। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ में एक ऐसी चीज़ें हुई है कि पहले जो शिक्षा सबके लिए बहुत दूर की कौड़ी थी, अगर हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, सुविधाएँ दें, तो उसे भी हम ला सकते हैं। जैसे आज की डेट में मोबाइल जब इंटरनेट जो क्रांति हुई है उससे ज्ञान हर आदमी के घर तक पहुंचा है। तो आज के डेट में सभी का ये मानना था कि अगर लाइब्रेरी खोली जाए और वहाँ पे वाईफाई की सुविधा हो और बच्चों को पुस्तकों की सुविधा हो, किताबों की सुविधा हो, तो एक आम आदमी जिसके घर पे पढ़ने का माहौल नहीं है, वो 7-8 घंटे अगर लाइब्रेरी में बैठ जाए और पढ़े तो वो अपने भविष्य को और स्वर्णिम बना सकता है। तो एक तो ये चीज है, इसकी प्रेरणा ये रही ओम प्रकाश जी कि शुरू में महुआ में हमने एक चीज देखी, जब हम अलग अलग बहुत से लोग अलग अलग जगह कार्य कर रहे थे, हमने एक छोटा सा क्लब बना रखा था जिसका नाम था जोहार यूथ क्लब। हमने सभी ग्रामीण जो हमारे गांव के, मेरा गांव कुड़ूंद है, उकड़ूंद के ग्राम वासियों ने मिलकर
एक 30 लाख रुपए की शानदार भवन तैयार किया कोचिंग क्लासेस के लिए, एकेडमिक जो बच्चे हैं ट्यूशन के लिए, लाइब्रेरी के लिए। उसी तरह गांव हिंगोटा में भी इस प्रकार के प्रयास हुए, वहां पर भी लाइब्रेरी खोली गई। और फिर हमने जब किया तो हमने किया कि जो लोग जो अलग अलग काम कर रहे थे, हम सबने सोचा कि स्थानीय स्तर पर काम कर रहे थे, क्यों ना हम एक साथ आ जाएं और एक साथ मिलकर हम काम करें। तब इस उद्देश्य को लेकर हम काम किया। वर्तमान में हम 3 लाइब्रेरी संचालित कर रहे हैं। एक लाइब्रेरी मंडावर में है, एक जिस पे आप बैठे हुए हैं ये महुआ में है, और एक दूसरी लाइब्रेरी महुआ में है। तो 3 हमारी लाइब्रेरी है, और साथ में ही मंडावन में एक हमारे प्रमोद जी सर हैं उकेरी, तो वो हमारे बच्चों को ऑफलाइन मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस ले रहे हैं, अन्य कंपटीशन की क्लासेस भी वहाँ उपलब्ध हैं इस तरह। और भविष्य में जैसे ये हम और आगे प्लान रखते हैं, और वर्तमान समय में हम कोचिंग, लाइब्रेरी, बच्चों के लिए पुस्तकें और शिक्षा को पूर्णतः निःशुल्क करने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू राजन जी, आप शिक्षा के क्षेत्र में एक बदलाव कर रहे हैं एक तरह से। आपने बताया कि आपने मंडावर और ये महुआ में 2 लाइब्रेरी, एक मंडावर में 3 लाइब्रेरी संचालित कर रहे हैं, 3 लाइब्रेरी रनिंग में हैं। आपके जो भी मेंबर्स हैं डेडिकेटेड हैं इस क्षेत्र में, तो ये जो प्रमोद सर के बारे में बताया, प्रमोद सर क्या निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, तो इसके बारे में बताएं, ये फीस लेते हैं या निःशुल्क पढ़ा रहे हैं? जी जी, प्रमोद सर बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। हम अपनी तरफ से थोड़ा सा उन्हें मेंटेनेंस देते हैं, वो उस चीज का देते हैं कि जो वर्तमान में हमारी कोचिंग क्लासेस है संचालित है, उन्हीं के मकान में संचालित है, वहाँ पर बिजली का बिल भी आता है, लाइट का खर्चा भी आता है, जो थोड़ा बहुत खर्चा है वो हम उन्हें देते हैं, वरना वो हमारे बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। संस्था के सक्रिय सदस्य हैं, संस्था ऐसे ही लोगों पर टिकी हुई है। वेरी गुड, प्रमोद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो अपना मेंटेनेंस, तो जो पानी बिजली है और अपना भवन भी उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है लाइब्रेरी के लिए, तो उसका मेंटेनेंस एक तरह से हायर कर रखा है आपने रेंट पर्पज से, वो तो कोई भी हो, मतलब बिजली पानी तो मुफ्त में मिलती नहीं है, तो देना पड़ता है। वैसे प्रमोद जी अपना सब्जेक्ट मैथ रीजनिंग बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, तो वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। तो आपने इस जानकारी दी हमें प्रमोद सर के बारे में, थैंक यू राजन जी। हम आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, जो वर्तमान में ये प्रयास संस्था है, इस ये जो संगठन है प्रयास संस्था का, जो आपने संगठन क्रिएट किया था, इसके क्या क्या कार्य हैं, क्या उद्देश्य है, भविष्य में क्या क्या योजनाएं बना रहे हैं आप लोग, तो उसके बारे में हमें डिटेल वाइज बताएं प्लीज। जी बिल्कुल अंकिताज जी, प्रयास संगठन शिक्षा, सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण जागरूकता को लेकर खड़ा किया एक संगठन है, जिसके प्रमुख उद्देश्य यही है। जब शुरुआत में हमने संगठन को प्रारंभ किया था, हमारे पास फंड की व्यवस्था नहीं थी, ना पैसा था, सिर्फ हमारे पास जज्बा था, लोग थे, हिम्मत थी। तब हमने सरकारी विद्यालयों में जाकर विद्यालयों की सफाई की, सार्वजनिक स्थानों की सफाई की, फिर लोग जुड़ते आए और काफ़ी चीज़ें निकल कर आई। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, आप यहाँ आए हैं तो मैं उन लोगों का नाम लिए बिना नहीं रह सकता, कि वैसे तो प्रयास का प्रत्येक सदस्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उसका उतना ही योगदान है जितना हर व्यक्ति का है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपका गेम चेंजर होती हैं और जो आपको पूरी तरह से राह को चेंज करती हैं। जैसे जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं, ये स्थान श्री दिनेश चंद मीणा जी, जो वर्तमान में मोटा देवी कॉलेज के निदेशक हैं, उन्होंने हमको 2 साल के लिए निःशुल्क दे रखा है, मेन महुआ में प्राइम जगह पर, इतनी अच्छी लोकेशन, वो भी समाज सेवा के लिए, बच्चों के लिए निःशुल्क देना, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम ऐसे बामाशाहों को दिल से धन्यवाद करते हैं और हमें गर्व है कि वो हमारे संगठन के सदस्य हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, पास में जो दूसरी लाइब्रेरी चल रही है, वो जो 4 दुकानें हमको ओम प्रकाश जी ठेकड़ा एक ONGC में है, हमारे बड़े भाई साथी हैं हमारे, उन्होंने हमको निःशुल्क दे रखी है, जहाँ हमारी दूसरी लाइब्रेरी चल रही है, तो वो हमारे लिए सम्मानित सदस्य हैं। एक हमारे दूसरे, मैं जिन साथियों का नाम लेना चाहूँगा, जो हेमेंद्र मीणा जी IPS, उन्होंने बच्चों के लिए पूरा फर्नीचर, पूरी कुर्सियाँ, सेट भिजवाया, लगभग 7.5 लाख रुपए का योगदान किया। भाई विजेंद्र जी, दिनेश जी समड़ेटी, कितने लोग हैं कि मैं सबका नाम नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि एक हमारे दूसरे साथी संस्था के उपाध्यक्ष भी हैं और हमारे बड़े भाई हैं ओम प्रकाश हिंगोटा जी, जो राजस्थान पुलिस में कार्य करते हैं, और वो अपने व्यस्ततम समय में भी समय निकाल कर रात दिन समय देते हैं, रात दिन संस्था के बारे में सोचते हैं। बहुत से लोग हैं, नाम लेने पर यही हो जाएगा कि किसी का नाम रह गया, किसी का ले दिया, लेकिन मैं कुछ ऐसे नाम ले रहा हूँ जिनका लिए बिना भी नहीं ले जा सकता और हमारे लिए प्रत्येक सदस्य महत्वपूर्ण है। तो इन सब के दम पर ये संगठन खड़ा हुआ है। दूसरा आपने कहा भविष्य में हम क्या कर सकते हैं, देखिए भविष्य में हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं। एक तो हम ये चाहते हैं कि शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हो रहा है ना, ये बंद हो, शिक्षा सिर्फ शिक्षा रहे, व्यवसाय ना बने, और वो अमीर के लिए भी उतनी पैसे में आ जाए, गरीब के लिए भी उतने में पैसे आए, समान शिक्षा आ जाए।
ऐसे नहीं कुछ शिक्षा में कुछ डिफरेंस हो। आज जैसे मैं हमेशा कहता हूँ अपने उद्बोधन में कहता हूँ कि मौका मिलता है, आज आप उदाहरण लीजिए नीट की परीक्षा के लिए अगर कोई दिहाड़ी मजदूर जो 300-400 रुपए कमाने वाला व्यक्ति है वो अपने बच्चे को IIT नीट की तैयारी करना चाहे तो क्या असंभव है? बिल्कुल नहीं, ये संभव ही नहीं है कि 2.5 लाख रुपए वो कहां से लाएगा 90,000 कमाने वाला आदमी। तो हम किस व्यवस्था में जी रहे हैं, हमने कौन सी व्यवस्था खड़ी की है? तो ये हम सबका दायित्व है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ अगर बच्चा डॉक्टर बनने के योग्य है तो उस पर ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो अमीर का है कि गरीब का, वो डॉक्टर बनना ही चाहिए और ये जिम्मेदारी हम सबकी है। तो हम चाहते हैं कि भविष्य में प्रयास एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो जो नीट की, IIT की, DEEE, जो बड़ी बड़ी तैयारियां हैं जो बहुत पैसे में होती है वो कराए। दूसरी बात, प्रत्येक जो छोटे छोटे कस्बे हैं वहाँ हम सब मिलकर एक लाइब्रेरी कोचिंग डाले, जिससे कि हमारी जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, जो आज के जमाने में भी आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि हम जानते हैं कि बहुत मॉडर्नाइजेशन हुआ है, बहुत खुलापन आया है, फिर भी बच्चे बच्चियों को बाहर भेजने में, बच्चियों को भेजने में तो ग्रामीण वासी आज भी कंफर्ट नहीं है, वो नहीं भेजते, उसके पास सुविधाएं भी नहीं है। क्योंकि मान ली कौन तो बच्ची को छोड़ने जाएगा, कौन लेके जाएगा, अकेली आती है तो वो इस कंफर्ट लेवल पे नहीं है कि भेजें। तो अगर हम गांव-गांव में लाइब्रेरी कोचिंग खोलते हैं तो हो सकता है कि हमारी जो बहन बेटियां हैं वो BSc BEd कर लें, किसी व्यवसायिक कोर्स में प्रवेश ले लें। दूसरा, एक तो एकेडमिक में हम काम करना चाहते हैं, शिक्षा को बिल्कुल निःशुल्क करना चाहते हैं। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हम व्यवसायिक कोर्स ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर चालू करते हैं, करना चाहते हैं। व्यवसायिक कोर्सों में जैसे इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स है, सिलाई का है, ब्यूटिशियन का कोर्स है, इनसे होगा क्या? इनसे ये होगा कि एक गरीब की बेटी जो बेलदार है, मिस्त्री है, आप भी जानते हैं कि समाज में जो रिश्ते होते हैं वो समान कैटेगरी में होते हैं, तो वो किसी बेलदार मिस्त्री के घर ही अपनी बेटी का रिश्ता करेगा तो वो वहाँ जाएगी तो बाद में उसे यही काम करना पड़ेगा। लेकिन हम किसी बच्ची को अगर आज ब्यूटिशियन का कोर्स कराते हैं तो वो आईब्रो बना के अपना खोल के उस काम को ना करके एक इजी में अपना कम्फर्ट जोन और अपने अर्निंग वहाँ से प्राप्त कर लेगी। दूसरा, हमारे जो बच्चे हैं आज की डेट में आप देख चुके हैं निजीकरण हो रहा है और ये भी तय बात है कि निजीकरण बढ़ेगा, संस्थाएं खुलेंगी, प्राइवेट धंधे आएंगे। अभी हमारे आसपास गांव के बच्चों में ये देखने में प्रवृत्ति देखने में आई है कि वो कंपनियों में नहीं जा पाते, उनमें जो स्किल डेवलपमेंट है, पर्सनलिटी डेवलपमेंट है वो चीज नहीं है। तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स अगर हम सब मिलकर किसी बच्चे को कराते हैं और वो किसी होटल के रिसेप्शन पे बैठता है तो मानिए कि उसे 20-25 हज़ार रुपए मिलेंगे। तो ये छोटे छोटे कोर्सेज हैं। एक दूसरा, हमने एक अभी उम्मीद रहा तो जल्दी कर देंगे, हम गांव-गांव जाकर छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक करके लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि शाम के टाइम चौपाल पे जाएं और उनको जागरूक करें, जैसे नुक्ता प्रथा, दहेज प्रथा, हालांकि ये लगभग बंद होने लगी है लेकिन फिर भी जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनके बारे में हम उन लोगों को बताएं। और वृक्षारोपण है, बड़े स्तर, बड़ी स्थानीय स्तर पर वृक्षारोपण किया जाए। स्वास्थ्य की योजनाएं हैं, आज भी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप भी इस मुद्दे पर काम करें कि योजनाएं तो लाख बन गई हैं, जैसे अभी जेनेरिक दवाइयां हैं, जेनेरिक दवाइयां ये कहकर लोगों को नहीं दी जाती कि असर नहीं करती, और आज भी बहुत सारे कानून होने के बाद में, बहुत सारी योजनाएं होने के बाद में लोग लुट रहे हैं। मेडिकल माफिया का पूरी तरह कब्जा है और वो एक मिनट इसलिए लुट रहे हैं कि उन्हें अज्ञानता है, लोगों को पता नहीं है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। तो स्वास्थ्य का क्षेत्र है और जो चीजें हैं जो समाज में समय समय पर जरूरत है, जिन चीजों की जरूरत पड़े जागरूकता के लिए, उन पर हम विषय पर काम करना चाहते हैं सभी मिलकर। थैंक यू राजन जी, आपने बताया कि संगठन किस तरह से आपने क्रिएट किया और क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या योजनाएं आपकी चल रही है, क्या क्या योजनाएं भविष्य में लाने वाले हैं उनके बारे में बताया, थैंक यू। और आपने एक बड़ा एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है यहाँ लोकल लेवल पर, ग्रामीण देहात लेवल पर, इतना बड़ा बेसमेंट में काफी 600 बच्चों के लिए आपने लाइब्रेरी संचालित करी हुई है। तो इस बेसमेंट को अगर आप किसी से लैंडलॉर्ड से आप रेंट पर से लेंगे तो मेरे ख्याल से पर मंथ 20,000 तो नॉर्मली इसका रेंट मान लीजिए, लेकिन ये आपने बताया कि मुझे जैसे दिनेश जी मीना है और जो कोटा देवी कॉलेज के डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने बेसमेंट को 2 साल के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है आपकी संस्था प्रयास के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी मीना को। दिनेश जी मीना राजन जी कहाँ से बिलोंग करते हैं, वैसे कौन सा गांव है, उसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल से जानना चाहेंगे। इतना बड़ा परोपकार गरीब बच्चों के लिए आपकी संस्था के लिए वो कर रहे हैं, तो वाकई में वो समाज की तरफ से धन्यवाद के पात्र हैं। प्लीज दिनेश जी, सर बेसिकली सांता के पास उनका गाँव है, मोहनपुर गाँव है, और वर्तमान में वो महुआ में ही रहते हैं, मकान बना रखा है और एक कॉलेज संचालित करते हैं, मोटा देवी डिग्री कॉलेज, BEd कॉलेज है इंदौर रोड पर। और हमारे बहुत सारे भामाशाह हैं जिनका मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो हैं, सब मिलके संस्था को चला रहे हैं और संस्था इन्हीं जैसे बड़े लोगों के, जो उम्र में हमसे बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, उनके मार्गदर्शन में, हम छोटे हैं तो हमें जो जोश है, जो एनर्जी है, हम उनको कहीं अनुसार अपने काम में लेने की कोशिश करते हैं। थैंक यू राजन जी।
थैंक यू दिनेश जी मीना और बाकी सभी जो सहयोग करता है इस लाइब्रेरी में और सहयोग कर रहे हैं और उन्होंने किया है, जैसे बताया आपने हेमेंद्र जी मीना आईपीएस हैं, उन्होंने लाइब्रेरी के लिए फर्नीचर प्रोवाइड किया, तो सिविल सर्विस में है हेमेंद्र जी मीना, उनके लिए भी मैं हमारी टीम धन्यवाद कहना चाहेगी। थैंक यू हेमेंद्र जी, आप सिविल सर्विस में होते हुए ऐसे गरीब बच्चों और जो समाज देहात लेवल पर इस तरह की संस्थाएं चल रही हैं उनको बढ़ चढ़ कर आप अपना आर्थिक सहयोग या अपनी शैक्षिक जो आप में क्वालिटी है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में आप हैं और पुलिस प्रशासन को संभालते हैं तो आप समय समय पर गाइड करते रहें, समाज में सारी कम्युनिटीज को गाइड करते रहें, मेरा कहना तो यही होगा। थैंक यू हेमेंद्र जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इसके अलावा दिनेश जी मीना समलेटी प्रिंसिपल साहब, उनके बारे में भी सोशल मीडिया से और मेरे गांव में भी वो लेक्चरर रह के आए थे तो उनको भी धन्यवाद कहेंगे, वो भी पर्यावरण के प्रति स्टूडेंट से जो एजुकेशन प्रणाली है बच्चों को मोटिवेट करना उसके प्रति काफ़ी इंटरेस्ट है उनका, तो दिनेश जी ने भी संस्था में अच्छा सहयोग दिया है लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में, तो आर्थिक सहयोग करने में, अन्य लोगों को मोटिवेट करने में, और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, ओम प्रकाश जी हिंगोटा बताया और भी लोग हैं, ओम प्रकाश जी ठेकड़ा हैं और बहुत सारे महुआ क्षेत्र के लोग हैं जिन्होंने आर्थिक सहयोग दिया है, अपना समय दिया है, लोगों को समाज के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाए, सबकी सोच को एक रास्ते में निकाला है उन्होंने, अलग अलग रास्तों से एक रास्ते में निकाला है, तो सभी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सब सोशल वर्क कर रहे हैं, जो गरीबों के लिए इस तरह की निःशुल्क लाइब्रेरी में अपना आर्थिक सहयोग समय दे रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं लोगों को, गरीब बच्चों को भी एक उत्थान की तरफ ले जा रहे हैं, सभी महुआ क्षेत्र के ऐसे कार्यकर्ताओं को तहे दिल से हमारी टीम धन्यवाद देना चाहेगी। और अब हम आपको जो लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स से स्टडी कर रहे हैं उनमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं और उनका जो प्रयास संस्था है कैसा सेटअप उन्होंने किया हुआ है, उनके लिए लाइट पानी बिजली अदर फैसिलिटीज़ हैं जो प्राइमरी फैसिलिटीज़ हैं और सिटिंग कैसी व्यवस्था है उसको दिखाने के लिए हमारी टीम उनका जो फर्निशिंग है वो दिखाने के लिए चलते हैं। राजन जी हमें दिखाइए उनके बारे में, स्टूडेंट्स कैसे अपना कंसंट्रेशन स्टडी की तरफ किए हुए हैं, आइए सर। यहाँ पर काफी अच्छा सेटअप प्रयास संस्था ने बच्चों के लिए किया हुआ है, गर्ल्स बॉयज स्टडी कर रहे हैं, राजन जी बताएंगे या जानकारी देंगे हमारी टीम को फर्निशिंग जो सेटअप है क्या फैसिलिटीज़ हैं, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है, बच्चों को प्राइमरी जो फैसिलिटीज़ हैं बाथरूम पानी है या नहीं, लाइटिंग की कैसी व्यवस्था है, तो उसके बारे में बताएंगे राजन जी। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं सर कि बच्चे बच्चियाँ बैठे हुए हैं, इनके लिए ये फर्नीचर सेट किया हुआ है जिसपे प्रत्येक सीट पर एक मोबाइल चार्जिंग बोर्ड, साथ में एक 3 वॉट की एलईडी जैसे जो जल रही है इस तरह से एक ये लगा हुआ है, 3 वॉट की एलईडी, मोबाइल चार्जिंग बोर्ड, अपना खुद का केबिन बच्चों का, और संस्था की तरफ से बच्चों के लिए यहाँ पर निशुल्क इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, जिन बच्चों ने कोर्स ले रखे हैं ऑनलाइन आजकल ट्रेंडिंग है और बच्चों ने सबने कोर्स ले रखे हैं जिससे उन्हें बाहर शहरों में जाना नहीं पड़ता, तो इंटरनेट सुविधा है, पानी की सुविधा है, कैंपर आते हैं, गर्मियों में थोड़े कम पड़ते हैं, अभी उसकी मात्रा बढ़ाएंगे, लेट बाथ अलग अलग हैं, बच्चों के लेट बाथ अलग हैं और गर्ल्स के लिए अलग फैसिलिटी है। यहाँ पर लड़का लड़की का कोई भेदभाव तो ऐसा तो महसूस नहीं होता, बच्चियों से हम पूछना चाहेंगे, जैसे गर्ल्स हैं यहाँ पर अपने समाज की बहन बेटियाँ भी पढ़ाई कर रही हैं, स्टडी के लिए आई हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं, तो बहन जी हम आपसे पूछना चाहेंगे जैसे आप लड़कियाँ हैं समाज में लड़के भी रहते हैं, लड़का लड़की एक तरह से हम तो बराबर मानते हैं और हमारा समाज भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो बराबर ही मानते हैं, आपको कुछ मतलब अलग तरह का महसूस तो नहीं होता है यहाँ पर लड़कों के साथ में बैठने से? आपको कुछ किसी भी तरह की जैसे रास्ते में आती हैं लड़के पढ़ते हैं कोई मतलब तंग वाली बात ऐसा कुछ भी नहीं है? वेरी गुड, जैसे बहन जी ने बताया यहाँ पर लाइब्रेरी जो प्रयास संस्था है एक कदम बदलाव की ओर शिक्षा के क्षेत्र में चलाई गई है महुआ क्षेत्र के लोगों के द्वारा,
तो हमने लड़कियां जो समाज की बहन बेटियां हैं उनसे पूछा कि आपको किसी तरह का कोई मतलब फ्लर्टिंग कोई तंग तो नहीं करता है इस तरह की, तो उन्होंने बताया कि यहां पर सब लड़का लड़की समान हैं और एडमिनिस्ट्रेशन जो संस्था का है वो सबको समान रूप से देखता है, अगर कोई गलत बिहेव करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेता है। तो लड़कियाँ बहन जी ने बताया कि इस तरह की कोई गलत व्यवहार हमारे साथ नहीं होता है, एकदम समान व्यवहार किया जाता है, अच्छे से सम्मान मिलता है हमको यहाँ पर। तो धन्यवाद बहन जी। सर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बोलना चाहूँगा मैं कि ये जो बच्चे बच्चे यहाँ हैं ये खुद ही अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, इनके ऊपर कोई नहीं है, यही सर्वोच्च है, ये अपनी व्यवस्थाएँ साफ़ सफाई से लेके इसको कैसे बैठना है कौन कहाँ बैठेगा सारा मैनेजमेंट इन बच्चों का ही है। राजन जी ने एक काफ़ी अच्छी बात बताई है सर कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है कोई अकेले आदमी के हाथ में नहीं है, केवल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, लगभग दिन में 600 स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आ जाते हैं अलग अलग शिफ्ट में। तो तीनों लाइब्रेरी हैं जो महुआ में, दूसरी जगह भी संचालित है, एक मंडावर में संचालित है। तो 600 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई की सुविधाएँ दे रहे हैं यहाँ पर, प्रयास संस्था दे रही है। तो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है तो यही बच्चे ही संभालते हैं, काफ़ी मतलब अच्छा जोश और जज्बा बच्चों में, यहाँ पर जुनून लगन के साथ बच्चे अपना सेटअप है जो प्रयास संस्था का सेटअप है उसे कैसे मेंटेन करना है, साफ़ सफाई, बाथरूम की साफ़ सफाई, लेटरिन की साफ़ सफाई, और जो संस्था में रिसेप्शन है वहाँ पर एडमिट पर और एंट्रीज जो जिसका नए बच्चे का प्रवेश लेना है सारा कुछ यहाँ के बच्चे ही संभालते हैं। बहुत बड़ी अच्छी बात है ये कि किसी एक के हाथ में पावर नहीं है, बच्चे ही खुद मेंटेन करते हैं इस चीज़ को। तो धन्यवाद राजन जी। बच्चों से इनसे अब ये क्या नाम है आपका? सचिन गुर्जर। वेरी गुड। तो यहाँ पर सभी समुदाय के बच्चे, कम्युनिटी के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ये आपको देखने को मिल रहा होगा। ये ना कि जैसे मीना ही नहीं, गुर्जर समाज से भी हैं और SC समाज से भी हैं, जनरल समाज से भी हैं, OBC समाज से भी हैं, सारे समाज के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। सचिन जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर कितनी फीस ली जाती है आपसे जो स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में? ये लाइन प्रयास एक कदम बदलाव की ओर, यह बिल्कुल ही निःशुल्क है, यह सभी बच्चों इन लड़के लड़कियों सबके लिए अध्ययन के लिए उच्च क्वालिटी की लाइब्रेरी है यहाँ पर, बिल्कुल निःशुल्क अध्ययन की उच्च सुविधाएँ सभी के लिए उपलब्ध हैं, सभी के साथ समान व्यवहार से सभी को पूर्णतः लड़के लड़कियों निःशुल्क उपलब्ध है। बहुत अच्छा। इसके बहुत साथ ही बैठने की व्यवस्था के साथ ही बुक भी यहाँ पर निःशुल्क ही उपलब्ध कराई जाती है, बुक भी निःशुल्क मिलती है। थैंक यू सचिन, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रयास संस्था के जो भी कार्यकर्ता हैं उनके लिए कि हमने बच्चों से यहाँ पर जानकारी ली कि आपसे फीस ली जाती है या निःशुल्क पढ़ाई की कराई जाती है, निःशुल्क पुस्तक प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर सचिन जी हैं, इन्होंने बताया कि हमसे किसी तरह की कोई फीस नहीं ली जाती, निःशुल्क पढ़ाई की जाती है, निःशुल्क हमें जो सेटअप है जो निःशुल्क प्रोवाइड किया गया है, और लाइब्रेरी भी क्रिएट की हुई है यहाँ पर प्रयास संस्था ने, निःशुल्क पुस्तक प्रोवाइड की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रयास संस्था के सदस्यों को। तो थैंक यू सचिन। प्रयास संस्था का ये एक पार्ट है, बड़ा हॉल है, ये ग्रुप स्टडी के लिए क्रिएट कंस्ट्रक्टेड है, सेटअप किया हुआ है ग्रुप स्टडी के लिए बच्चों के लिए। तो यहाँ पर एक ग्रुप में बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चे पढ़ भी रहे हैं और लगभग 50 चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, ग्रुप स्टडी बच्चे कर रहे हैं इसमें। ये अलग से एक हॉल सेटअप बनाया हुआ है प्रयास संस्था ने, इसमें प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है और बोर्ड्स की भी व्यवस्था है, अगर कोई टीचर निःशुल्क पढ़ाना चाहे बच्चों को तो बोर्ड पर अपना लेक्चर दे सकता है, समाज के किसी भी क्षेत्र से अगर कोई पढ़ाना चाहे इच्छा से अपनी मर्जी से तो बच्चों को यहाँ पर अपना सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, कोई भी टॉपिक पढ़ा सकता है। तो बहुत अच्छा मेंटेनेंस है प्रयास संस्था का, ग्रुप स्टडी के लिए बड़ा हॉल है, इधर जैसे ही एंट्रेंस है वहाँ पर कम्युनिटी हॉल के लिए बड़ा हॉल का स्पेस रखा हुआ है, इधर सेपरेट बच्चों के लिए चेयर्स इंडिविजुअल स्टडी के लिए बनाए हुए हैं, बहुत अच्छा सेटअप है प्रयास संस्था का। तो एक बहुत अच्छी संस्था का हमने आज विजिट किया है यहाँ पर। तो राजन जी, हम पूछना चाहेंगे ये बच्चा जो लड़का लड़कियाँ यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं ये एक कंपटीशन से रिलेटेड ही प्रिपरेशन कर रहे हैं या कॉलेज लेवल की भी पढ़ाई करते हैं यहाँ पर, या फिर
टेंथ ट्वेल्थ की भी पढ़ाई करते हैं यहाँ पर बच्चे? हाँ ब्रदर, इधर आप ये पढ़ाई कर रहे हो, इधर आप खड़े होइए प्लीज, घबराए नहीं, खड़े होइए, खड़े हो बेटा, आप हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आप हो जाओ। क्या नाम है बेटा अपना? प्रजापत। क्या? धीर सिंह प्रजापत, वेरी गुड। ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो प्रिया संस्था का एक वो हमने नोट किया है, एसटी एससी ओबीसी जनरल कैटेगरी सबको एक प्लेटफॉर्म दे रखा है प्रिया संस्था ने, सबको समानता का अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है हम आम नागरिक को, तो प्रिया संस्था उसको फॉलो कर रही है, सारे समाज के लिए ये संस्था खोली है शिक्षा के क्षेत्र में एक कदम बदलाव की ओर। और धीर सिंह जी आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पर, मतलब बुक्स किस चीज़ की, कंपटीशन की पढ़ाई करते हो या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, प्लीज़ बताएं आप। कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ जिसमें आर्मी में सीआरपीएफ बीएसएफ वगैरह। आर्मी में जाना चाहते हैं, बीएसएफ सीआरपीएफ, वेरी गुड धीर सिंह जी। आर्मी जो भारत की बहुत रेस्पेक्टेड सर्विस है उसको आपने प्रेफरेंस दिया है, धन्यवाद धीर सिंह जी, बहुत बढ़िया, आप अच्छे से तैयारी करें। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है? बीए कर रखी है, आई टी। अच्छा, बीए और आईटीआई है, वेरी गुड धीर सिंह जी, बहुत बढ़िया। अभी सर इसको इससे पहले यहाँ पर 10, 12 के बच्चों के लिए ये पूरा हॉल था, तो जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, अभी 12th की एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी हैं, तो उसके लिए इसको डेवलप किया कि जैसे उन्हें कोई समस्या भी आए तो बोर्ड भी था और वो एक साथ में बैठ कर पढ़ सके। बीच में जो बीए ग्रेजुएशन की जो तैयारी बच्चे हैं उनके लिए किया, और ऐसे बच्चों के लिए केवल 3 या 4 घंटे के लिए आना चाहते हैं तो पूरी सीट उधर ख़राब नहीं हो और उधर बच्चों को डिस्टर्बेंस नहीं हो, उन बच्चों को भी हमने इधर शिफ्ट किया जो कम समय के लिए आते हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। सर ये प्रोजेक्टर है, वैसे अगर हम चाहें और हम सब की इच्छा हो तो प्रोजेक्टर के माध्यम से हम प्रत्येक गांव में हमारे जो बहनें हैं, छोटे भाई हैं, उन सभी के लिए हम कोचिंग क्लासेस की व्यवस्था कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता जुगाड़ है, 1 लाख रुपए के लगभग इन्वर्टर, प्रोजेक्टर, लैपटॉप, 3 चीज़ों से आपका, और एक इंटरनेट कनेक्टिविटी, इससे सारा सिस्टम चालू हो जाएगा। और उन बच्चों को उसी गाँव में, जैसे आप सुरैर से हैं तो सुरैर की ज़मीन पर बैठ के एक जयपुर की, दिल्ली की ऑनलाइन कोचिंग वहाँ की वहीं अवेलेबल हो जाएगी। जो बच्चे दिल्ली नहीं जा सकते, वहाँ का रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो वहीं पे पढ़ सकते हैं। तो अगर इस पे हम मिलके काम कर पाएँ तो मेरा मानना है कि ये बहुत ही एजुकेशन के क्षेत्र में गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी हो सकती है।